नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकुल प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारी हिंदी ऑटो यूट्यूब चैनल गाड़ी मोटर्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले, मैंने आगे एक वीडियो बनाया था बजाज प्लैटिना 100 सीसी के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो उस पर मैं एक कमेंट आया मेरे पास, तो उसका जो जवाब है वो देना मेरा फर्ज है, तो उसका जवाब मैं दे देता हूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं, यानी कि Q&A आज के इस वीडियो में होने वाला है। तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको थोड़ा मजा भी आएगा। तो अब दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पंडित पारी जी है, उन्होंने पूछा है कि माइलेज कितना है, जो प्लैटिना बाइक है उसका माइलेज कितना है। तो मैंने उस वीडियो में भी बता दिया था कि प्लैटिना, अगर आप माइलेज के लिए गाड़ी बनी हुई है, जो प्लैटिना टू व्हीलर है वो माइलेज के लिए बनी हुई है प्लैटिना बजाज की तरफ से, और कोई भी गाड़ी यानी कि आप हीरो के ले लीजिए या होंडा के ले लीजिए, कोई भी बाइक इतनी अच्छी माइलेज आपको नहीं देगी। तो अगर आप माइलेज ज़्यादा चाहते हैं और मिडिल क्लास फैमिली से, मैंने आगे बताया था, आपने उस वीडियो में भी सुना होगा कि अगर मिडिल क्लास फैमिली से है तो प्लैटिना से बढ़कर आपको और कोई भी बाइक नहीं मिलेगी शायद, तो बहुत ही अच्छी माइलेज देती है। और दूसरी बात यह है कि इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी कम रहता है दूसरी जो बाइक है उसके कंपैरिजन में, यानी कि आप होंडा की कोई भी बाइक ले लीजिए या हीरो की स्प्लेंडर प्लस ले लीजिए, तो उससे आपको काफ़ी कम माइलेज भी ज़्यादा मिलेगी और मेंटेनेंस भी काफ़ी कम रहेगा। अगर आप प्यार से चलाते हैं ना, तो आपको 80 की माइलेज, प्यार से चलाएंगे बाइक तो 80 की माइलेज आपको आराम से मिल जाएगी। लेकिन आप कोई भी बाइक को हार्ड पुश करोगे तो कोई भी बाइक आपको अच्छा माइलेज नहीं दे पाएगी। तो यही थी मेरा जवाब कि आपको 80 की माइलेज अगर प्यार से चलाते हो तो आपको आसानी से मिल जाएगी, और अगर आप कोई भी बाइक को हार्ड पुश करोगे, एक्स वाई जेड कोई भी बाइक होगी, तो वो अच्छी माइलेज नहीं दे पाएगी। तो यही थी मेरा जवाब। और अगर आपको ये Q&A पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।